पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेले में क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसे कैसे तैयारियां हैं, और अब मेला जब पूरी तरह तैयार हो चुका है तो चलिए आपको मेला घुमाते हैं। मेला क्षेत्र एक बड़े प्रांगण में है, तो हो सकता है आपको थोड़ा थकान महसूस हो, लेकिन यकीन मानिए यह एहसास आप जिंदगी भर याद रखेंगे। एक महीने तक चलने वाले इस माघ मेले में आस्था की डुबकी के साथ साथ आपके लिए इंटरटेनमेंट का भी जुगाड़ किया गया है। यह रेगिस्तान में ऊँट की सवारी का आनंद लेना है तो आप ले सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये डिजिटल भी है। 22 तारीख को 500 वर्षों के बाद भगवान राम अपने घर आ रहे हैं अयोध्या में। देखिए मेला क्षेत्र में उच्च न्यायालय इलाहाबाद माघ मेला का यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, और सोचो हाई कोर्ट भी है इस मेले में। आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क मेंटेन रहे इसलिए यहाँ पर टेम्प्रेरी मोबाइल के टावर भी लगाए जा रहे हैं। और अब बारी उस चीज़ की जो यहाँ पर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और निकास द्वार। आप इधर से प्रवेश भी कर सकते हैं और निकास भी ले सकते हैं। ये ट्रेन वाला झूला है, जो ट्रेन अभी तैयार हो रही है, अपने पैसेंजर का वेट कर रही है, और उसके बाद यह ट्रेन चलेगी। इतने बड़े मेले के क्षेत्र में अगर जादू जैसा कुछ ना हो तो फिर क्या ही है। तो आपको जादू देखना पसंद है ना, दिखाता हूँ आपको जादू वाली जगह। अभी ये जो एरिया चल रहा है, ये चल रहा है अकबर के किले का, और सामने आप देख पा रहे हैं वो जो मंदिर है वो है शंकर विमान मंडपम, जिसे चारों धाम के नाम से भी लोग जानते हैं वहाँ पर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार कुंभ नगरी प्रयागराज में। जैसा कि आपको पता है 15 तारीख से लगने वाला है माघ मेला, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला है और लगता है प्रयागराज में। मेले में घूमने के लिए कहाँ कहाँ आपको जाना है, क्या क्या घूमना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए। सबसे पहले जब आप प्रवेश करेंगे तो ये पूरा पार्किंग का एरिया इधर से लेकर इधर, इधर दो पहिया वाहन है और इधर फोर व्हीलर की पार्किंग एरिया है। अंदर व्हीकल अलाउड नहीं है, तो अंदर व्हीकल लेकर ना जाएं, गाड़ी यहीं पार्क कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा, सुरक्षित भी रहेगी। जिसका टोकन चार्ज कार का 50 रुपये है और बाइक और स्कूटी का 10 रुपये है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेले में क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसे कैसे तैयारियां हैं, और अब मेला जब पूरी तरह तैयार हो चुका है तो चलिए आपको मेला घुमाते हैं। हर साल लगने वाला यह मेला इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन होता है कि देश से इन्हें विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर इस मेले का एंजॉय करने और गंगा स्नान करने। संगम क्षेत्र में सबसे पहले पहुँचने के लिए सामने लिखा हुआ है दारगंज रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर है, प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर, और संगम इधर पड़ेगा आपको 1 किलोमीटर, और यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल जो है शंकर विमान मंडपम, जिसका वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ के बड़े हनुमान जी, जिन्हें बंधवा पर वाले हनुमान जी भी कहा जाता है, उनका भी वीडियो इस चैनल पर पब्लिश है, बहुत ही फेमस जगह है। छोटी छोटी दुकानें लगनी शुरू हो गई है, और यहाँ पर आप जो ये कैन देख पा रहे हैं, इन कैन पे माँ गंगा का जल लेकर जा सकते हैं अपने घर के लिए। वो सारे शेल्टर्स बनाए गए हैं जो कल्पवास के दौरान जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और 1 महीने कल्पवास करते हैं तो उनके ठहरने के लिए ये व्यवस्था की जाती है। मेले को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम भी यहाँ पर तैयार है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए थाना कोतवाली भी बनाई गई है, डायल 112। अगर आपको कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो मेले पे, तो आप यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं और 112 डायल भी कर सकते हैं। साथ ही त्रिवेणी चिकित्सालय भी है, तो मेडिकल सुविधाओं के लिए यहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस मेले में पांटून के पुल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें पीपा भी कहा जाता है, तो कई सारे पुल होते हैं इसलिए नंबरिंग देनी पड़ती है। यहाँ लिखा है पांटून पुल नंबर 3, अगर आपका मेले में कोई खो जाता है तो आप ये भी मार्क कर सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, मुख्यालय अग्निशमय केंद्र इधर की तरफ से, ताकि आपको मेले को शॉर्ट वीडियो में समेटने की कोशिश की जा सके। और ये जो आप रोड देख पा रहे हैं नीचे, ये लोहे की चद्दर से बना हुआ है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आपकी स्कूटी बाइक या कार या कोई भी व्हीकल हो वो रेत में फंसे नहीं, क्योंकि इसके नीचे रेत होती है, इसलिए इसको बनाया जाता है, और ये मेले के बाद इसको निकाल के सुरक्षित रख दिया जाता है। 1 महीने तक चलने वाले इस माघ मेले में आस्था की डुबकी के साथ साथ आपके लिए इंटरटेनमेंट का भी जुगाड़ किया गया है, दिखाऊंगा वीडियो के आखिरी में। ये भी एक मान्यता होती है इस मेले की, अगर लोकप्रियता आपको देखनी है 2025 का इंतज़ार करिए, 2025 में लगने वाला है महाकुंभ, जहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आने की उम्मीद है, और उस दौरान यहाँ का मोबाइल नेटवर्क जाम हो जाता है, आप ऐसा लगा लो। 12 साल में लगता है महाकुंभ, 6 साल में अर्धकुंभ, और हर साल लगता है कुंभ या फिर माघ मेला। अभी जो अनाउंसमेंट हो रहा है ये है खोया पाया विभाग की तरफ से, तो अगर आपका कोई भी व्यक्ति मेले में दौरान खो जाता है
तो आप वहाँ पर जाकर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। वैसे आपने कहावत सुनी होगी कि भाई बिछड़ते थे कहाँ कुंभ के मेले में, तो यही वो कुंभ का मेला है। यह है वो पांटून का ब्रिज जिस पर अभी हम चल रहे हैं, जो गंगा के बीचों बीच बनाया जाता है, और पुलिस देखो भी तैयार है। हर जगह जो है आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। ये है गंगा का घाट जो आप ये येल्लो से बोर्ड देख पा रहे हैं, ये लगाया जाता है ताकि आपकी सुरक्षा के लिए। इसके आगे जो है गंगा गहरी है, तो आपको जब स्नान करना है तो यहीं पर स्नान करना है। और आपकी सुरक्षा के लिए और सुविधा के लिए घाट भी तैयार किए गए हैं। कैसे आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए जो वाइट वाइट से दिख रहे हैं बोरी से, ये घाट है ताकि आपके पैरों में रेत वगैरह ना लगे। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे गंगा की सफाई कैसे हो रही है। और इधर जो आप वाइट वाइट से देख पा रहे हैं पक्षी, ये होते हैं साइबेरियन पक्षी। साइबेरिया से यहाँ पर आते हैं और एक महीने तक रहते हैं जब तक कुंभ मेला रहता है। उसके बाद कुंभ मेला ख़त्म होने के बाद ये पक्षी अपने घर की तरफ वापसी ले लेते हैं, और इनके आने से कुंभ मेले की रौनक और बढ़ जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये पक्षी यहाँ पर क्यों आते हैं, रीज़न क्या है। ये है वो पांटून या पीपा जिससे ये ब्रिज बनाया जाता है कुछ ऐसे, ये देखिए इन्हीं की मदद से ब्रिज बनाया जाता है। और इस पर जितना मर्जी आप हैवी लोड दे दें ये डूबने वाला नहीं है। मेले में आपके खाने पीने के लिए छोटी बड़ी कई दुकानें मिल जाएंगी, और अगर आप ब्रांड खाना पसंद करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रामपति सेवा आश्रम, ऐसे कई छोटे और बड़े यहाँ पर आश्रम आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप यहाँ पर आकर ठहर सकते हैं। इस मेला में खाने पीने और ठहरने के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इस प्रांगण में आ गए फिर सारी जिम्मेदारी माँ गंगा की। और हाँ, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कि यहाँ पर इन जगहों पर दर्शन जरूर करें, नहीं तो आपका यहाँ आना अधूरा है। बस आप वीडियो में बने रहिए। ये नगरी है साधु संतों ऋषियों की, इसलिए यहाँ पर आपको महात्माओं के दर्शन भी हो जाएंगे। मैं आपको कह रहा था ना यहाँ पर खाने पीने और रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम नमः शिवाय भंडारा, यहाँ पर आपको भंडारा मिलेगा 24 घंटे। देख रहे हैं बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े चीज़ों में आपको गाड़ी भी आई है ताकि भंडारे का काम अच्छी तरीके से चल पाए। और रहने के लिए ऐसे बड़े बड़े शेल्टर बने हुए हैं जहाँ पर कई संख्या में लोग रहते हैं पूरे एक महीने तक। बाकी छोटे छोटे भंडारे हर जगह आपको ऐसे मिलेंगे। देखिए अभी यहाँ अभी भी भंडारा चल रहा है, तो आपको खाने पीने के लिए कोई भी तकलीफ़ नहीं होने वाली। एक महीने तक आएँ प्रयागराज में, पुण्य की प्राप्ति करें। चलो एक आपके लिए क्विज छोड़ता हूँ, आप लोगों को ये बताना है कि प्रयागराज को किस ऋषि ने बसाया था, उनका नाम बताइए। देखिए योगी जी और मोदी जी की एक बड़ी सी तस्वीर, और सामने बना हुआ है सूर्य कुंड द्वार, अयोध्या धाम की पुनर्स्थापना। 22 तारीख को 500 वर्षों के बाद भगवान राम अपने घर आ रहे हैं अयोध्या में। तो एक बार चैनल पर ज़ोर से जयकारा लगाएं, जय श्री राम। कोशिश किया जाएगा कि अयोध्या का भी वीडियो आपको मुहैया कराऊं, लेकिन अभी फ़िलहाल वहां पे परमिशन नहीं है जाने की, बात चल रही है। अगर बात बन गई तो फिर आपको वीडियो ज़रूर दिलाएंगे। मेला क्षेत्र एक बड़े प्रांगण में है, तो हो सकता है आपको थोड़ा थकान महसूस हो, लेकिन यकीन मानिए यह एहसास आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इसलिए मेले में आए तो मेला घूमे ज़रूर। अगर आप घर कुछ ले जाना चाहते हैं, माला सिंदूर जैसी कई सारी चीज़ें, रिंग्स वगैरह, तो आप वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए। और अच्छी बात ये जो आप पिलर्स देख पा रहे हैं, ये गाड़े जाते हैं ताकि यहाँ की लाइट की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सके। यह प्राथमिक उपचार केंद्र संगम, अभी आप मेले में प्रवेश कर चुके हैं। यह खोया पाया केंद्र, अगर आपको कोई भी यात्री खो जाता है तो आप यहीं पर आकर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई ऐसा सामान मिलता है जो सामान आपका नहीं है, तो आप यहां पर आकर उसको देखें, उसका नाम भी अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। रात को इस पूरे संगम क्षेत्र को जगमगाने की जिम्मेदारी इन लाइटों पर है जो ऊपर लगी हुई हैं, और यहाँ पर आपको बिल्कुल दिन जैसा महसूस होने वाला है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि लास्ट बार आप संगम क्षेत्र कब आए थे, और अगर अभी तक नहीं आए हो तो इस बार ज़रूर आओ। आरएफ के पुलिस बल भी तैनात है यहाँ पर, कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पर गड़बड़ हो नहीं सकती, ये आप समझ लो। क्षेत्र में आपके लिए वॉशरूम भी बनाए गए हैं जगह जगह, हर एक जगह ऐसे। ये सारे जो छोटे छोटे ऐसा केबिन जैसा बने हैं, ये हैं कपड़े चेंज करने के लिए महिलाओं के लिए। बाकी ये है पब्लिक
जो दो डुबकी लगा रही है आस्था की, हम भी चलते हैं माँ गंगा के दर्शन करते हैं और डुबकी लगाते हैं। यह जल पुलिस की बोट, अगर कोई भी जनहानि होती है तो जल पुलिस आपकी हेल्प करेगी यहाँ पर, अगर कोई डूब रहा है तो। आज यहाँ पर इतने लोग आए स्नान करने, अगर मैं संख्या की बात करूँ तो कम से कम 10 से 15 हज़ार की संख्या आज है, और कल से पहला स्नान शुरू होना है। अगर आप नौका विहार का आनंद लेना चाहते हैं तो ये सारी नौकाएं लगी हैं जो आपको आगे की तरफ पूरा संगम क्षेत्र को घुमाने का काम करती है। पेड़ मेले क्षेत्र की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे ऐसे डब्बे जैसे आपको दिख रहे हैं, या ये हैं महिलाओं के वस्त्र बदलने के स्नान। एक समय था जब लोग घाट पर ही नहाते थे और वहीं पर कपड़े बदलते थे, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी महिलाओं को, तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से दुरुस्त किया गया है। बच्चों के लिए सुंदर सुंदर खिलौने और कई सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरा मेला क्षेत्र वहाँ पे है वॉच टावर, और उसी के बगल है खोया पाया केंद्र है विभाग, और इधर चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कल्पवास करने के लिए लोगों के लिए बनाए गए हैं कुटिया बोल सकते हैं या टेंट बोल सकते हैं, और वो सारे रिमोट वॉशरूम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऊँट की सवारी घोड़े की सवारी का आनंद लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। वहाँ पर इधर की तरफ देख रहे हैं कुछ लोग ले भी रहे हैं, और इधर की तरफ जो आप थोड़ा सा घूमेंगे तो ये है आपका माँ गंगा का तट, जहाँ पर आप स्नान करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं, और कई सारे लोग स्नान कर रहे हैं अभी। ये रेगिस्तान में ऊँट की सवारी का आनंद लेना है तो आप ले सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये डिजिटल भी है, फ़ोनपे का कार्ड भी लगा है तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। ऐसे कई सारे ऊँट हैं, ये देखो जैसे ये लोग राइड कर रहे हैं, और अगर आप घोड़े की राइड करना चाहते हैं तो वो रहा घोड़ा, घोड़े की राइड कर पाएंगे। और साथ ही साथ नई चीज़ आपको और मज़ा दिलाने के लिए यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक एटा बोलते हैं ऐसा कुछ, इसकी भी राइड आप ले सकते हैं। इन सब के रेट अलग अलग हैं, तो रेट आपको मैं अभी फिक्स बताऊँगा, तो हो सकता है आपसे ज़्यादा ले या कम ले। फिलहाल ऊँट का जो रेट है 200 रुपये है, घोड़े का रेट है 100 रुपये है, और जो बाइक मैंने आपको दिखाया एटा जिसको बोलते हैं उसका 50 रुपये है, और ये थोड़ी एक लिमिटेड दूरी है, जब तक थोड़ी एक लिमिटेड दूरी तक जाते हैं, जैसे 5 खंभे 6 खंभे के बीच का जो गैप है उसको कवर करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मेले से बाहर की तरफ, और अब आपको दिखाते हैं मेला घूमने अगर आप आए हैं तो इस चीज़ के दर्शन ज़रूर करें। साथ ही आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो झूले आए हैं और खाने पीने की दुकानें तभी आपने देखा ही नहीं, वो मैं आगे दिखाने वाला हूँ आपको। खाने पीने के लिए चीज़ें क्या क्या है, झूला कितने कैटेगरी का है, बहुत बड़े बड़े झूले यहाँ पर आए। आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क मेंटेन रहे इसलिए यहाँ पर टेम्प्रेरी मोबाइल के टावर भी लगाए जा रहे हैं। मेले में वॉशरूम के साथ आपके नहाने धोने की भी अच्छी खासी व्यवस्था कर दी गई है। यादगार चीज़ अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो शंख वगैरह ले सकते हैं, कई तरह के यहाँ पर शंख है, इनको बजा कर आप चेक करें फिर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे, और चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस चैनल पर हम यात्रा संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप ट्रेन लवर हैं, ट्रेन की ट्रैवलिंग देखना पसंद करते हैं, तो अपना दूसरा चैनल है हर्ष जर्नीज के नाम से, उसको विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सामान अगर ज़्यादा हो गया है तो आपके लिए बैग भी यहाँ पर मिल रहा है, तो बैग वगैरह ले सकते हैं, और ये सारे रेट आप नेगोशिएट कर सकते हैं, जो भी मैं रेट बता रहा हूँ या फिर जो भी रेट आप कहीं बोर्ड में पढ़ रहे हैं। ये जो एरिया है वो है अक्षयवट का, तो यहाँ पर देखें एक और फायर ब्रिगेड का स्टेशन बनाया गया है, ऊपर लिखा है अग्निशमय केंद्र अक्षयवट। अक्षयवट क्या है आगे चल के आपको दिखाता हूँ मैं, और उसी के ठीक बगल है थाना अक्षयवट। यहाँ पर जगह जगह पुलिस स्टेशन, थाने, पुलिस बूथ, ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर जल पुलिस भी है, गंगा में स्नान करने के दौरान अगर कोई भी यात्री डूबता है तो वो लोग यहाँ पर रहते हैं, और गोताखोर भी रहते हैं। देखिए मेला क्षेत्र में उच्च न्यायालय इलाहाबाद माघ मेला का यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, और सोचो हाई कोर्ट भी है इस मेले में, और अंदर से कुछ ऐसा है, ऐसी कोई जगह आपने देखी है जहाँ पर हाई कोर्ट भी लगता हो, सोचो भाई। एरिया है लोक आयुक्त प्रशासन उत्तर प्रदेश माघ मेला शिविर का, और अब बारी उस चीज़ की जो यहाँ पर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप आए हैं और उनके दर्शन नहीं किए तो आपका यहाँ पर आना अधूरा है। सबसे पहली चीज़ जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं ये है अकबर का किला। इसी अकबर ने इस प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था, जिसे योगी जी ने दोबारा
प्रयागराज कर दिया है। और इसके अंदर है अक्षय वट, जिसकी कभी क्षय नहीं होती, इसलिए उसे अक्षय कहा जाता है। कहा जाता है जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो यही अक्षय वट था, जिसकी पंक्ति ऊपर दिख रही थी जल के ऊपर, और ये अंदर की तरफ है। और इसी किले के अंदर है पातालपुरी मंदिर, जो कि बहुत ऐतिहासिक है। उसका इतिहास आपको रोमांचित कर देगा, उसका वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर फोटो खींचना मना है, तो आपको इसको देखने के लिए खुद विजिट करना होगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ की सबसे फेमस जगह, जो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। टैटू वगैरह कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टैटू भी करा पाएंगे। अभी ये जो एरिया चल रहा है, ये चल रहा है अकबर के किले का, और सामने आप देख पा रहे हैं वो जो मंदिर है, वो है शंकर विमान मंडपम, जिसे चारों धाम के नाम से भी लोग जानते हैं। वहाँ पर चारों धाम के मंदिर हैं, और वहाँ का दर्शन करना ऐसा माना जाता है कि आपने चारों धाम के दर्शन कर लिए हैं। तो आपने अगर अभी तक उस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, या फिर उस मंदिर के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो चैनल पर उसका भी वीडियो है, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। उसका नाम है शंकर विमान मंडपम। ये देखिए बड़े बड़े होटल जैसा यहाँ पर रेस्टोरेंट बना दिया गया है टेम्परेरी एक महीने के लिए, तो आप खाने पीने का आनंद यहाँ पर ले पाएंगे। और आगे की तरफ आपको जो मंदिर दिख रहा है वो है बड़े हनुमान जी का, लेटे हनुमान जी, या फिर बंधवा परवाने हनुमान जी। और ये इतना चमत्कारिक मंदिर है कि आप इसका चमत्कार ऐसे समझिए कि भगवान की जो मूर्ति है वो ज़मीन से 10 फीट नीचे है। कई लोगों ने प्रयास किया है कि उस मूर्ति को ऊपर लेके आया जाए और एक सुंदर सा अच्छा सा बड़ा सा मंदिर बनाया जाए, लेकिन सबका प्रयास असफल रहा। खुदाई करने के बाद जितना लोग नीचे जाते, मूर्ति उतना ही नीचे चली जाती थी। इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये है बड़े हनुमान जी का मंदिर जो आप सामने देख पा रहे हैं, और ये है प्रवेश द्वार। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर इतनी भीड़ होती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और सामने भोग एवं प्रसाद के लिए शॉप है, जहाँ से आप भोग और प्रसाद ले सकते हैं। ये है मुख्य मंदिर श्री बड़े हनुमान जी का, और इसी के अंदर हनुमान जी की मूर्ति है। फिलहाल अभी बंद है, 4 बजे शाम को खुलती है और सुबह 6 बजे। और भीड़ आप देख लीजिए, और ये भीड़ ऐसा नहीं है कि मेले की वजह से, ये भीड़ यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को हमेशा ऐसे ही लगी रहती है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और निकास द्वार, आप इधर से प्रवेश भी कर सकते हैं और निकास भी ले सकते हैं। तो ये आपने दर्शन किए तीर्थ स्थान के, जो प्रयागराज माघ मेले के दौरान आपको करने हैं, जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर आपके इंटरटेनमेंट के लिए क्या है वो आपको दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पर एक लंबी सी कतार में दोनों तरफ शॉप है, दुकान, और प्रयागराज के लोग चटोरे ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर चाट और फुल्की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाने वाली चीज़ जो है चाट और फुल्की ही है। तभी हम गंगा के प्रांगण से बाहर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं परेड ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर आपको दिखाऊंगा बड़े बड़े झूले और खाने पीने के लिए क्या क्या व्यवस्था आपके लिए की गई है। यहाँ पर आप कपड़े वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि सेल चल रही है। 100 का जोड़ा, 100 का 3 शर्ट, ऐसा कुछ मिल रहा है। और ये है पब्लिक जो मेले के दौरान आपको दिखेगी। अब इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा लो कि मेला कितना प्रचलित है। घर के लिए बर्तन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो सारी शॉप आपको यहाँ पर दिखेगी। मेले से जब आप बाहर आ रहे होंगे, गंगा द्वार से बाहर, तब आपको देखिए कढ़ाई पैन और जैसी कई सारी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। देखिए अब इस वीडियो में आपको यही सब दिखाने वाला हूँ आगे की तरफ, यहाँ पर आप शॉपिंग क्या कर सकते हैं और इंटरटेनमेंट के लिए आपके क्या कुछ हैं। ये झूला जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये है पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा झूला। और उसके बाद छोटे बच्चों के लिए ऐसे छोटे छोटे कार वाले झूले हैं, एक झूला ये वाला है, और आगे हेलीकॉप्टर का झूला चल रहा है। ये ट्रेन वाला झूला है, जो ट्रेन अभी तैयार हो रही है, अपने पैसेंजर का वेट कर रही है, और उसके बाद यह ट्रेन चलेगी। और एक झूला आगे की तरफ ही है। अगर आप लोग इन झूलों के नाम जानते हो
ऑफिशियल नाम तो आप बताना, सुपर ब्रेक डांस ऐसे करके आप लोग बताना अगर क्या इस झूलों का नाम है। और सारे झूलों के जो रेट है ना वो अलग अलग है, और ये झूला यहाँ का सबसे हाईएस्ट झूला है अभी तक। एक झूला इधर की तरफ है और एक झूला सामने की तरफ है। झूला ये वाला है जो जिसमें ड्रैगन बना हुआ है बोट जैसा, इसको बुकिंग काउंटर आगे की तरफ है। इसका नाम मुझे नहीं पता, आप लोग बताना इन सब के नाम क्या क्या है। बाकी ये है सबसे बड़ा झूला। ये झूला देखो लाइट से चलने वाला है, इसलिए यहाँ पर अभी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। आज पहला ही दिन है और अभी कई सारी दुकानें जो हैं वो लगनी बाकी है। इधर का जो एरिया आप देख पा रहे हैं, इधर अभी दुकानें लगेंगी, झूले लगेंगे। बेसिकली ये जो एरिया है ये झूले वालों के दे दिया गया है फ़न एक्टिविटी करने के लिए, तो यहाँ पर झूले ही लगेंगे। वहाँ पर देखे हाथी वगैरह गिरे हैं कई सारे, अभी इन सबको अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित करके सुंदर सी जगह बना दी जाएगी। मैं एक बार फिर से विजिट करूँगा जब ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। इतने बड़े मेले के क्षेत्र में अगर जादू जैसा कुछ ना हो तो फिर क्या ही है। तो आपको जादू देखना पसंद है ना, दिखाता हूँ आपको जादू वाली जगह। ये देखो यहाँ पर होगा जादू जो कि अभी सेटअप बन रहा है, अभी बना नहीं हुआ है। मैजिशियन एस के सरकार नाम लिखा हुआ है और ये सारा पूरा एरिया उनका है। बुकिंग काउंटर एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, तो अभी ये शुरू नहीं हुआ है। एक झूला अभी इधर तैयार हो रहा है, एक झूला सामने की तरफ उधर तैयार हो रहा है, ऐसे ऐसे करके। ये देखो ये झूला भी, ये भी तैयार होना है, और सामने भी ट्रक पर झूले कई सारे रखे हुए हैं, इनको भी तैयार होना बाकी है। ये वाला झूला देखो अभी तैयार होना बाकी है, ये सामान गिरा हुआ है इनका। मुझे लगता है शायद ये स्पीड ट्रेन होगी मे भी, ये सारा सामान झूले का है। उधर भी एक झूले का सामान रखा हुआ है, ये देखो ट्रैक बने हुए, ट्रेन वाला होगा शायद उन्हीं का। और इधर का झूला भी तैयार हो रहा है, हुआ नहीं है। और खाने पीने के लिए वो सारी दुकानें वहाँ पर लाइन से लगी हैं, जो चटोरे लोग हैं उनके लिए भी, और जो मसाला नहीं खाते हैं उनके लिए भी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। अभी मेला शुरू होना है, कल से शुरू हो जाएगा, पहला स्नान कल है 15 तारीख, तो पूरे मेले को हम कवर करने वाले हैं। हर दूसरे तीसरे या चौथे दिन में आपको एक अपडेट आती रहेगी वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको हमारी वीडियो आसानी से मिल जाएगी। मिलते हैं फिर और नए वीडियो का, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।